नमस्कार, मैं तरुणा सेठी फ्रॉम सिंपली ब्यूटीफुल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक बेबी क्विल्ट जो रेल फेंस ब्लॉक से बना रहे हैं। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। आज हम रेल फेंस बनाएंगे और उसके लिए सबसे पहले हमने ये फैब्रिक्स सिलेक्ट किए हैं। अब हम इसको कपड़े को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। स्टार्टिंग में भी ये जो थोड़ा कपड़ा ज़्यादा है, कहीं आगे है कहीं पीछे है, देखिए चाहे मैंने कितना तय किया, थोड़ा सा फ़र्क है थोड़ा सा फ़र्क, लेकिन वो थोड़े से फ़र्क में ही फिनिश की बात है। और उठाने से पहले चेक कर लीजिए कि कपड़ा कटा है कि नहीं, क्योंकि अगर वो नहीं कटा तो वो खिसकना नहीं चाहिए। एक बार ये कट गया, अब आप देखिए बिल्कुल सीधी धार आ गई। मैंने आपको क्या कहा, हम ढाई ढाई इंच के पट्टे लेंगे, तो हम इसको इस तरह से ढाई ढाई इंच के तीन या चार अभी काटते हैं शुरू में, सारे नहीं काटेंगे, जितनी ज़रूरत है उतनी ही काटेंगे। तो ये मेरे कटे हुए स्ट्रिप्स मेरे पास तैयार हैं, मैंने पहले से काट के रख लिए हैं और अब हम इनको जोड़ना शुरू करेंगे। आप देखिए मिलाना भी बहुत ज़रूरी है, इसको मैच सही तरीके से करना है। अब जो हमारे टेलर्स हैं उन लोगों को आदत होती है, वो सारा दिन सुबह से शाम यही काम करते हैं, तो उनका काम जो है बहुत प्रिसाइज होता है। लेकिन मेरे जैसा जो कभी कभी क्विल्टिंग करता है उसके लिए मुझे बहुत होता है कि मैं इसको पिन के साथ पिन कर दूं। तो जैसे हमने इसको पिन अप कर लिया, अब हम इसको अपनी मशीन के पास लेके आएंगे। जब हम इतने नज़दीक आ जाते हैं तो देखिए मैं ये पिन निकाल देती हूँ ताकि फिर हमारी मशीन की सुई ना टूटे, वो बहुत ध्यान रखना, थोड़ा सा अटेंटिवली वो करना है ऐसे। अब हमने ये दो रंग जोड़ लिए। अब हमने देखा हमारे इस पैटर्न में हमने लाल सेंटर में लिया और उसके बाद हम येलो कलर उसी तरह से पिन करेंगे जैसे हमने ब्लू किया है, इस तरह से। अब हमने तीनों कपड़े जॉइन कर लिए हैं और अब हम अपनी मशीन से इसको निकाल के क्विल्टिंग में आयनिंग, इस्त्री करना, हर स्टेज पे इस्त्री करना बहुत ज़रूरी है। जो भी डार्क साइड कपड़ा है ना, आप उस तरफ जो जॉइंट किया है हमने, जो सीम अलाउंस है, वो उस तरफ चलते चले। एक तो ये तरीका है और दूसरा तरीका है, अगर आप ये नहीं करना चाह रहे और अगर आप थोड़ा सा और डिटेल करना चाहें तो ये दोनों सिलाइयों को खोल के ऐसे, थोड़ी सी मेहनत है लेकिन वो फिनिशिंग में जो बात बनती है ना, वो कुछ अलग ही है। इस तरह से आपने इसको पूरी तरह से फ्लैट कर लिया, पर अभी भी ये सैल्वेज बची है तो मैं थोड़ी सी ये रोटरी कटर के साथ सीधा कर लूँगी, क्योंकि ये 6.5 इंच है तो मैं स्क्वायर भी 6.5 का ही बनाऊँगी, तो ये यहाँ भी मैं 6.5 इंच पे ही कट करना चाहूँगी। अब आप देखिए क्योंकि मैंने ये खोला है तो मेरा कटिंग बहुत आसान हो गया है। हमने पहले से थोड़े से ये ब्लॉक्स काटे हुए हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे ब्लॉक क्या होता है, तो आप जब कोई पैटर्न पढ़ेंगे किसी पैटर्न बुक में से या मैगजीन में से या इंटरनेट से, तो आप ये वर्ड बहुत देखेंगे क्विल्टिंग में, ब्लॉक। तो ब्लॉक है ये एक जो पीस बन गया है जिसको आपने अब अनेकों बनाना है, ये आपके अलग अलग ब्लॉक्स हैं जिसको हमने जोड़ा है, तो ये तकरीबन एक स्क्वायर ही होता है। तो क्योंकि ये 6.5 था तो हमने इसलिए इसको भी 6.5 की कटिंग दी है। तो ये ब्लॉक्स हैं और अब हम इनको कैसे अरेंज करना है ये हमारे ऊपर है।